संत मोनिका के आदर में नवरोज प्रार्थना के आज के दूसरे दिन में हम सभी माताओं और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है उसका पीडीएफ हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, तू ही स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। हम विशेष रूप से आज माताओं और उनके परिवारों को तेरे समक्ष लाते हैं। अपने आशीष व कृपा उन पर बरसा ताकि परिवार में मां को सम्मान एवं प्यार मिले। हम विशेष रूप से उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कुछ कारणों से अपनी संतान एवं पति द्वारा कई प्रकार से प्रताड़ित की जाती हैं, जिनकी आग सुनने वाला कोई नहीं है। हे पिता, तूने आदि से ही इन व्यक्तियों को चुना एवं परिवार में जोड़ा। उन्हें अपनी कृपाएं प्रदान कर ताकि वे पुनः एक दूसरे को स्वीकार कर प्रेम से संयुक्त होकर जीवन जी सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम आज के ईश वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1-18। प्रज्ञा की संतति धर्मियों की सभा है, उनका राष्ट्र आज्ञाकारी और प्रेममय है। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उसे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा ही नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग
तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है, जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज के इस वचन में हमने सुना कि कैसे हम बच्चों को माता पिता का आदर सम्मान एवं प्यार करने की जरूरत है। आज का पाठ थोड़ा सा लंबा ही रहा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा ईश्वर हमारे सामने रख रहे हैं। हम बच्चे जितने भी अच्छे अच्छे कार्य करें, ईश्वर की योग्य जीवन जीने की कोशिश करें, लेकिन यदि हमारा आचरण हमारे माता पिता के विरुद्ध रहे, उनके प्रति हमारी भावना हमारे कार्य अच्छा नहीं रहे, तो हमारी भक्ति हमारे अच्छे अच्छे अन्य कार्य फलदायी नहीं होंगे। ईश्वर ये कह रहे हैं बच्चों को अपने माता पिता की सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करते हैं। दास यानी दास सेवक से और भी छोटे होते हैं। दासों को अपनी इच्छा नहीं हो सकती। कैसे मनोभाव लेकर क्या हम अपने माता पिता की सेवा सत्कार करते हैं, क्या वास्तव में कर सकते हैं? हमें कोशिश करने की जरूरत है। ईश्वर ये कह रहे हैं जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। ईश निंदा करना, ईश निंदा करने वालों को इसराइल में पत्थर से मारकर खत्म कर दिया जाता था, उनको मृत्यु दंड दी जाती थी। ईश्वर कह रहे हैं अपने माता पिता को त्यागने वाले वैसे ही एक बड़ा पाप करते हैं। लेकिन आज हमारे देश विदेशों में कितने वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, ये सब एक प्रमाण है कि हम ईश निंदक हैं, हम ईश्वर से दूर चले जा रहे हैं। और जो माता को दुख देता है अधिकतर हम लोग देते हैं। ईश्वर कहते हैं वे सब ईश्वर द्वारा अभिशप्त हैं। वे जो भी अच्छे अच्छे कार्य करने की कोशिश करें, अच्छे व्यापार करने की कोशिश करें, उनमें असफलता ही मिलेगी। आज के इन वचनों को हम ध्यान में रखकर अपने माता पिता का आदर सम्मान एवं प्रेम करें, मानो वे ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति हैं हमारे जीवन में। आइए उनके प्रति हमारी भक्ति हमारा प्रेम आदर सम्मान बढ़ते जाने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। साथ ही हमारे माता पिता लंबी आयु से लंबे समय तक हमारे साथ रहकर हमें ईश्वरीय राह पर ले चलने के लिए भी हम उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम हमारी प्रार्थनाओं को पिता के चरणों में रखें। विशेष रूप से हम सभी माताओं एवं उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा जवाब होगा, हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। अपने सद्गुणों द्वारा बच्चों को ईश्वरीय प्रेम दे सकें और बच्चों को सदाचारी बनाते हुए दूसरों की भला कराना सिखाएं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। अपनी ममता एवं आदर्श जीवन द्वारा माताएं हमेशा अपनी संतानों को ईश्वरीय ज्ञान दे सकें, आज्ञाकारी बना सकें और माताओं व बच्चों का संबंध मधुर हो। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी संतानों द्वारा प्रताड़ित की जाती है, अपनी संतानों द्वारा शारीरिक या मानसिक यातनाएं सहती है, भला बुरा सुनती है। हे प्रभु, संत मोनिका के समान धैर्य, सहन शक्ति एवं विश्वास इन माताओं को प्रदान कर। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं पर दया कर जो पतियों द्वारा तिरस्कृत एवं
अन्य यातनाएं सहती हैं। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। जिस प्रकार यीशु कलीसिया को प्यार करते हैं, वैसे ही माता पिता एक दूसरे को प्यार कर सकें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। संदेह एवं शंका जैसी बुराई माता पिता के बीच से दूर हो और वे एक हृदय एक प्राण होकर परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपने बच्चों एवं पति को आदर दे सके और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपने पति एवं संतानों के लिए क्षमा का मूर्त बन सकें। हे पिता, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी प्रार्थनाओं को हम संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे दयानिधान ईश्वर, सभी परिवारों के सभी सदस्यों में अपना प्रेम उड़ेल दे, ताकि प्रत्येक सदस्य यह अनुभव कर सके कि परिवार में मां का त्यागमय एवं प्रार्थनामय जीवन सभी को प्रेम और सुख की अनुभूति कराता है। संतान एवं पति द्वारा प्रत्येक परिवार में माताएं प्रेम और आदर पाएं। मैं प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत धर्मी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत विश्वासी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका दुखवाहिनी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ख्रिस्ते आदर्श की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कर्तव्य निष्ठ माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका अविरल प्रार्थना रत माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका तपस्या करने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहित्य परामर्श की अभिलाषी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धीरज धारिणी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अभिलाषी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका
धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आशा रखने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्य निष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कर बद्ध प्रार्थना रत माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका नम्रता का प्रतीक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आत्माओं की प्यारी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्म परायण और प्रभु विश्वसनीय हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के अनंत आनंद की ओर अग्रसर कर जहां तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। नवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रियेक ईश्वर संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोल कर मेल मिलाप दया क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर ऐसी कृपा कर की माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार
संत परिवार बन बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्या का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मां लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने, अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु येसु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर, आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बगाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन।
आइए हम समारोह की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, आप जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें और ये जो नवरोजी प्रार्थना है इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, बिंदी और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। हमारी इस नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हमारे चैनल में हम हर दिन शाम 7 बजे रोजरी विनती करते हैं, तब तुरंत वह प्रारंभ होने वाला है। आप उसमें भी शामिल होकर अपनी प्रार्थना में जीवन और भी गहरा करने की कोशिश करिए, हम उसमें भी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।